हम लोगों ने कल से लेकर के 3 दिन के लिए यानी 25, 26, 27 इन 3 दिन के लिए पूरे प्रदेश को पूरी तरह लॉकडाउन करने के लिए निर्णय लिया है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली से सटी हुई अपनी पूरी सीमा को भी हम लोगों ने सील कर दिया है। प्रदेश के अंदर इन्फोर्समेंट की जो भी कार्रवाई होनी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए यूपी सरकार ने ले लिया है बड़ा फैसला। कल से यूपी के सभी जिलों में हो जाएगा लॉकडाउन। हम लोगों ने कल से लेकर के 3 दिन के लिए यानी 25, 26, 27 इन 3 दिन के लिए पूरे प्रदेश को पूरी तरह लॉकडाउन करने के लिए निर्णय लिया है। और ये निर्णय हम लोगों को इसलिए लेना पड़ा है कि जिस तेजी के साथ यहाँ पे कोरोना वायरस से संक्रमित रोगियों की संख्या बढ़ी है, अब तक ये संख्या 34 हो चुकी है, यद्यपि 11 रिकवर भी हुए हैं। यानी यूपी के सभी 75 जिले में बुधवार से 27 मार्च तक सब कुछ ठप, सिर्फ जरूरी सेवाओं पर कोई रोक नहीं। वहां भी उन 17 जिलों की तरह सख्ती और चेकिंग शुरू हो जाएगी जहां अभी फिलहाल है। जिन 17 जिलों में पहले 25 मार्च तक लॉकडाउन का फैसला लिया गया था उसे अब बढ़ाकर 27 मार्च तक कर दिया गया है। देश के सबसे बड़े सूबे की राजधानी लखनऊ में लॉकडाउन में घर से निकलने की सख्त मनाही ही है। प्रशासन और पुलिस की सख्ती की वजह से लखनऊ की सड़कों और गलियों में साफ असर दिख रहा है। लखनऊ में क्या हालात है, किस तरीके से लोगों को रोका जा रहा है क्योंकि लॉकडाउन को मेंटेन करना है। आप देखिए जो पुलिस वाले हैं, ये जो है ये इमरजेंसी सर्विसेज ही लागू है, बाकी तमाम लोगों को इस वक्त रोका जा रहा है। हमने पहला बैरियर पार किया है और ये लखनऊ का लोहिया पथ है, लोहिया पुल है जिस पर कि हम इस वक्त चल रहे हैं। आपको समझ में आएगा कि किस तरह के हालात हैं। आप पूरे शहर में कोई आदमी इस वक्त बेवजह आपको दिखाई नहीं देगा। यानी लखनऊ कमिश्नरेट जो पुलिस का है उसने जो तैयारी की है उसका असर इस वक्त आपको साफ साफ दिखाई देगा। नोएडा में भी लॉकडाउन की वजह से सड़कों पर करीब करीब सन्नाटा है। लोग भी बढ़ चढ़कर इस मुहिम को कामयाब बनाने में जुटे हैं। नोएडा में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ऐसे में पुलिस भी सख्ती के जरिए लोगों से अपने अपने घरों में रहने की बार बार अपील भी कर रही है। इस बीच कोरोना के खतरे को देखते हुए ग्रेटर नोएडा आगरा को जोड़ने वाला यमुना एक्सप्रेसवे को बंद कर दिया गया है।